दोस्तों, साल 2020 सभी के लिए एक संघर्ष भरा साल रहा है, जिसमें हम सभी घर पर रहे, घर से ही काम कर रहे थे, घर से ही खरीदारी कर रहे थे। और तो और, एंटरटेनमेंट के लिए हमने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार इत्यादि के जरिए नई रिलीज फिल्में भी देखी। लेकिन साल 2021 में वैक्सीन ड्राइव और कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट के साथ राहत की भावना है, और सरकार ने भी मूवी थिएटर, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि को फिर से खोल दिया है। इसलिए तो अब लगातार कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज की जा रही हैं, जिनमें एक फिल्म जैसा बाप वैसा बेटा का नाम भी शामिल है, जिसे डायरेक्टर बहुत जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म जैसा बाप वैसा बेटा जल्द ही हमें देखने को मिलने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के स्टार कास्ट से लेकर रिलीजिंग डेट तक की सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में हैं जो बाप बेटे की कहानी पर आधारित है, जैसे कि दंगल, उड़ान, पीकू, पा, अकेले हम अकेले तुम जैसी कई फिल्में शामिल है, जिसे देख दर्शक काफी प्रभावित हुए और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई भी की। जिसे देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिल्म जैसा बाप वैसा बेटा के साथ बहुत जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है। साथ ही टीवी के कई रियलिटी शोज में बतौर होस्ट भी नजर आए हैं। बता दें कि इनकी फिल्म बॉलीवुड की सभी बाप बेटे से जुड़ी फिल्मों से काफी अलग और दिलचस्प होने वाली है, जिसमें हमें बाप बेटे की ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म में हीरो के पिता एक बहुत बड़े विलन होते हैं, जिन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हीरो अपने पिता की तरह ही विलन बन जाता है, और दोनों बाप बेटे के बीच काफी लड़ाई होती है। इसके अलावा फिल्म में हमें खूब ज्यादा एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का डबल डोज देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए दर्शक बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अजय देवगन का नाम सिलेक्ट किया गया है, जिन्हें आज सिंघम के नाम से जाना जाता है। वहीं ये फिल्म में अपने पिता को बदलने के लिए विलन बन जाते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म में इनका साथ देने के लिए बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आ रही है, जो वर्तमान में अपनी अपकमिंग फिल्म रूही को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि अजय देवगन और जाह्नवी कपूर को कभी भी किसी फिल्म में एक साथ काम करते हुए नहीं देखा गया, मगर अजय तो पहले से ही बेस्ट एक्टर हैं। वहीं लगता है कि जाह्नवी कपूर भी अजय देवगन के साथ काम करके अपने आप को बेस्ट करेंगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसा बाप वैसा बेटा में हीरो के पिता विलन के रूप में कोई और नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के अन्ना कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, सुनील शेट्टी इस फिल्म में बहुत ही अलग अंदाज में नजर आएंगे, जिसमें इनका किरदार काफी धाकड़ और खूंखार भरा होगा, जिसे देखना वाकई दिलचस्प होगा। वह इन कलाकारों के बारे में जानने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म जरूर ही सुपर डुपर हिट साबित होगी। लेकिन इस धमाकेदार फिल्म को देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फिल्म में काम करने के लिए इनमें से किसी भी कलाकार ने अपनी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है, और न ही इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिससे फिल्म को कंप्लीट करके बड़े पर्दे पर रिलीज करने में निर्देशकों को थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से इनके बीच फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। वेल, पहली बार इस फिल्म में अजय देवगन और जाह्नवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।